गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में दसम वर्ग के पाठ्यक्रम में निर्धारित मतूप प्रत्यय का अध्ययन अध्यापन का कार्य किया गया था। उसका कुछ नियम अवशेष रह गया था जो इस प्रकार है। मतूप प्रत्यय का नियम यानी मतूप प्रत्यय का प्रयोग हम कहां कहां करेंगे, तो उसका कुछ प्रमुख नियम है जो इस प्रकार है। पहला नियम है कि जिन शब्दों के अंत में अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर होता है तो मतूप प्रत्यय का प्रयोग होता है। यानी कहता है कि जिन शब्दों के अंत में अ आ को छोड़कर, यानी जिस शब्द के अंत में अ आ न रहे उसको छोड़ करके अगर कोई स्वर रहेगा तो वहां पर हम मतूप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और प्रीवियस क्लास में मैं बताया था कि जब मतूप प्रत्यय का प्रयोग होता है तब उ और प का प्रयोग हो जाता है। जब मतूप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो उ और प का लोप हो जाता है, ऐसा मैं प्रीवियस क्लास में बताया था। और एक क्या बचता है, मत शेष बचता है, ठीक है, मत शेष बचता है। और फिर वो जो शब्द बनता है उस शब्द का शब्द रूप चलने लगता है। कैसे शब्द रूप चलता है, शब्द रूप चलता है पुल्लिंग में भवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह, और नपुंसक लिंग में जगत की तरह शब्द रूप चलने लगता है जब मतूप प्रत्यय का प्रयोग जिस शब्द में होता है ना, उसको भी ध्यान में रखना है। तो अब उदाहरण से स्पष्ट होगा। उदाहरण जैसे देखिए, यथा गति जोड़ मतूप, गति जोड़ मतूप, तो क्या कहता है कि जिस शब्द के अंत में अ आ को छोड़कर, तो यहां गति शब्द है तो इस गति शब्द में अ आ नहीं है बल्कि ई है ना, ई है। और उसमें हम मतूप प्रत्यय का प्रयोग किए, तो जब मतूप प्रत्यय का प्रयोग किए तो यहां से उ और प का लोप होकर के मत शेष बचा, शब्द क्या बना, गतिमत, गतिमत शब्द बना, यानी गति वाला। मतूप प्रत्यय का प्रयोग वाला वाली वाले अर्थ में किया जाता है, प्रीवियस क्लास में बताया था। तो ये क्या हो गया, गतिमत का मतलब हो गया गति वाला या गति वाली, है ना, गति वाला, गति वाली, गति वाले। अब इसका वह मूल शब्द गतिमत मूल शब्द बना, और जब गतिमत मूल शब्द बना तो उसका शब्द रूप चलेगा पुलिंग में भवत की तरह। तो भवत की तरह जब उसका शब्द रूप चलेगा तो भवान भवंतो भवंता, तो क्या हो जाएगा पुलिंग में गतिमान गतिमंतो गतिमंत, भवान भवंतो भवंता, गतिमान गतिमंतो गतिमंत। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में उसका शब्द रूप चलेगा नदी की तरह, स्त्रीलिंग में शब्द चलेगा नदी की तरह, यानी नदी नद्यो नद्य, तो क्या बन जाएगा मूल शब्द है वह गतिमत, तो यहां हो जाएगा गतिमती गतिमत्यो और हो जाएगा गतिमत्या स्त्रीलिंग में। उसी प्रकार नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग में कैसे चलेगा, जगत की तरह चलेगा, तो जब जगत की तरह चलेगा तो जगत जगती जगंती, तो क्या हो जाएगा गतिमत गतिमती गतिमंती, ऐसा इसका शब्द रूप चलेगा, ठीक है। अब दूसरा नियम है, दूसरा नियम है कि जिन शब्दों के अंत में अ या आ हो
जिन शब्दों के अंत में अ हो या आ हो तो मतुप प्रत्यय का प्रयोग होगा। जिस शब्द के अंत में अ या आ हो तो वहां हम मतुप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि जब मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है तो उ और प का लोप हो जाता है, मत शेष बचता है। तो कहता है कि जो मत बचेगा, मत परिवर्तित होकर वत हो जाता है, यानी मत जो है वह परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा, और मत जो है वह बदल करके क्या हो जाएगा, वत हो जाएगा। कब? जब शब्द अकारांत रहे या आकारांत शब्द रहेगा। तो जब हम मतुप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो मतुप प्रत्यय के प्रयोग करने पर वह जो मत बचता है वह चेंज होकर के, है ना, बदल करके वह वत हो जाएगा। उदाहरण से स्पष्ट होगा, उदाहरण में देखिए। उदाहरण में जैसे गुण जोड़ मतुप, गुण यहां अ है और उसमें मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया गया, तो गुण और तो क्या होना, गुण मत। लेकिन कहता है कि अकारांत अगर शब्द है तो वह मत जो है परिवर्तित होकर के क्या हो जाएगा, वत हो जाता है। तो शब्द यहां बन गया गुणवत, गुणवत शब्द हुआ, यानी गुण वाला। उसी तरह अगर आकारांत शब्द को लीजिए, जैसे मान लिया जाए दया जोड़ मतु, आकारांत शब्द लिया तो यहां से भी उ और प हट गया, दया मत। लेकिन वह मत जो है आकारांत शब्द होने के कारण मत जो है वह परिवर्तित होकर के और वत हो जाता है, इसलिए यहां ए हो गया, दयावत शब्द बन गया, दयावत। तो आप जानते हैं कि वह जो शब्द होता है तो उस शब्द का क्या होने लगता है, शब्द रूप चलने लगता है, पुलिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। पुलिंग में उसका शब्द रूप चलेगा भवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसक लिंग में जगत की तरह उसका शब्द रूप चलेगा। ठीक है, गुणवत शब्द इसी को लीजिए। उदाहरण में गुणवत शब्द है तो गुणवत शब्द तो पुलिंग भवान भवंतो भवंत, तो क्या हो जाएगा, गुणवान गुणवंत गुणवंत, गुणवान गुणवंत गुणवंत। स्त्रीलिंग में नदी नद्यो नद्य, तो गुणवती गुणवत्यो गुणवत्य। फिर है नपुंसक लिंग में जगत जगती जगंती, तो हो जाएगा गुणवत गुणवती गुणवंती। इस तरह से इसका शब्द रूप चलना शुरू हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि जो शब्द अकारांत या आकारांत हो, तो जब शब्द अकारांत या आकारांत होगा तो उसमें हम मतुप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, और जब मतुप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो उ और प हट करके मत शेष बचेगा, लेकिन वह मत जो है परिवर्तित होकर के वत हो जाता है और वह फिर मूल शब्द बन जाएगा। और मूल शब्द होने पर एतस्य शब्द रूपम पुलिंगे भवत सदृशम, स्त्रीलिंगे नदी सदृशम, नपुंसक लिंगे जगत सदृशम, होते उसका मतलब शब्द रूप चलना शुरू हो जाएगा, है ना। वाक्य में देखेंगे कि अगर वाक्य पुलिंग का है तो उसके अनुसार उसका रूप बैठाएंगे, स्त्रीलिंग का है तो उसके अनुसार उसका रूप बैठाएंगे, नपुंसक लिंग तो उसके अनुसार उसका रूप बैठाएंगे, है ना। जैसे गतिमान है, अगर मान लो कि यहां अगर राम पुलिंग शब्द लिए तो राम गतिमान पुलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द अगर रहेगा मान ली जाए कि सीता, है ना, तो उसके साथ ऐसे गतिमती, है ना। तो उसको वाक्य में जो है, वाक्य में देख लेंगे कि हमारा वाक्य पुलिंग का है या स्त्रीलिंग का है, तो उसके अनुसार हम इन शब्दों का प्रयोग